आप लोगों ने लिट्टी चोखा बनते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज अलग स्टाइल में लिट्टी चोखा बनते हुए दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हैं ये गोईठा है, गोईठे के ऊपर बैगन को पकाया जा रहा है, उसके बाद सेम तरीका से टमाटर को भी पका लिया जाता है। दोनों के छिलका को अलग करके दोनों को अच्छी तरीके से गुड़ लिया जाता है, टमाटर को भी और बैगन को भी। गुड़ने के बाद उसको देखो, पहले तो पूरा छिलका को अच्छी तरीके से छील लिया जाता है ताकि छिलका थोड़ा भी ना रहे। उसके बाद आलू को बॉयल आलू में सरसों का तेल मिलाकर अच्छी तरीके से गुड़ा जाता है। गुड़ने के बाद लहसुन और धनिया पत्ता को डाला जाता है, काफ़ी क्वांटिटी में धनिया पत्ता को डाला जाता है। उसके बाद तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लिया जाता है। मिलने के बाद हमारा चोखा बनके तैयार हो चुका है। अब बन रहा लिट्टी। लिट्टी को पहले गोल गोल कर लिया जाता है, उसमें सत्तू डाल दिया जाता है, और सत्तू डालने के बाद उसको गोल गोल करने के बाद उसको गोईठे के आँच पर इसको पकाया जाता है। गोईठे के आँच पर इसको पकाया जाता है। शुद्ध घी को गोईठे पर गर्म किया जा रहा, और उसके बाद ये हमारा लिट्टी को गोईठा में डाल दिया गया जो आँच बचा हुआ है। उसके बाद फिर पक जाने के बाद उसको अलग से निकाल लिया जाता है। उसके बाद अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया जाता है ये चोखा, और सर्व किया जाता है घी में डालकर।